वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार के लिए लाल, समृद्धि के लिए हरा, सफलता के लिए नारंगी और खुशी के लिए गुलाबी। भगवान आपको और आपके परिवार को इन सभी रंगों के साथ आशीर्वाद दें। होली के इस पावन अवसर पे हम अपनी पहली यूट्यूब की क्लास हिंदी ग्रामर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। ये जो वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बिना पूरी जो हिंदी व्याकरण है ये पूरी, आप कहीं आपको बेसिक इस टॉपिक को अगर आप ना करें तो आपको कहीं किसी भी चीज़ के लिए बेसिक चीज़ें नहीं मालूम चलेगी हिंदी ग्रामर की। और हिंदी ग्रामर के बारे में वर्ण परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम और टीचिंग के एग्ज़ाम्स जैसे सीटेट, पीएसटेट, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को ज़रूर भी शेयर करें अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ। तो किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसके परिभाषा को जानना जरूरी होता है। हिंदी व्याकरण को 3 बैंग होते हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हम आज वर्ण विचार करेंगे। वर्ण विचार कहते किसको है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण बहुत ही छोटी इकाई है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उदाहरण के लिए जैसे का खा, गा घा, चा छा, जा झा, इस तरीके के जो वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 1252 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला की बात करें, जो विभिन्न वर्णों के मेल से बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर को जैसे हिंदी में आप इंग्लिश में स्वर को वॉवल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हम केवल होठ और तालु का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर आते हैं, वे इस प्रकार के हैं आ आ इ ई उ ऊ ए ए री ओ औ। स्वर के भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पदुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में, जैसे ह्रस्व स्वर के नाम को ही सुन के हमें पता लगता है कि जैसे जो कम समय लगने वाला को ह्रस्व कहते हैं। इस तरीके के जो भी स्वर होते हैं उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आप हमेशा ये समझ लो कि मूल स्वर वे स्वर हैं जिनको उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। दीर्घ स्वर वे हैं जिनके उच्चारण मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगाते हुए किया जाता है, जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, ए, औ, ओ। इनको जैसे हमने जब उच्चारण किया, उच्चारण करते समय हमने पाया कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। एक पदुत स्वर जो है उनकी जो उच्चारण होती है उन्हें उनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जैसे राम, ओम। तो इन सब तो इन स्वरों को कहते हैं पदुत स्वर। अब जैसे ओ हमने देखा, ओम को अगर देखा जाए तो इसको पदुत स्वर कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण स्वतंत्र नहीं होते हैं और उनको उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे का, चा, टा, पा। अब जब तक व्यंजन में स्वर नहीं होते हैं तब तक इनकी पहचान हलंत लगा के होता है। ये हमेशा याद रखिए कि जब वर्ण विच्छेद का समय आता है तो हम वर्ण को विच्छेद तो कर देते हैं लेकिन हलंत लगाना भूल जाते हैं, इस वजह से हमारे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। जैसे स्पर्श व्यंजन के नाम से ही हमें पता चलता है कि छूना। तो ऐसे व्यंजन जिनको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ, कंठ, तालु, मुद्रा, दांत अथवा होठ को स्पर्श करते हुए बोला जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 स्पर्श व्यंजन होते हैं, में से 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे का वर्ग,
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये ऐसे वर्ग होगा, इन उदाहरणों को देखकर आप जब इनको उच्चारण करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी जीभ होती है, जो दी गई स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है उसके अनुसार हम कहीं ना कहीं, चाहे उसको जीभ में, कंठ में, तालू में, मर्द में या दांत में हमारी टच होती है, तभी इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। उसके बाद हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब भीतर होता है। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमें मुख के भीतर ही रह जाते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन पूछे जाता है क्या क्या है, तो यारा ला वाह है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीभ मुखा के किसी भाग को स्पर्श नहीं करता। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर सटने से होता है, किंतु तो कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। जैसे या रा ला वा, यह इंपॉर्टेंट व्यंजन है। उसके बाद हम देखते उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का नाम सुनते ही गर्मी आता है, जैसे जिन उष्म का अर्थ होता है गर्मी। ऐसे वर्ण जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ से, जीभ हमारे मुख के अंदर जीभ के रगड़ से गर्मी पैदा होता है, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इस व्यंजन के 4 होते हैं। अब ये कौन कौन से 4 व्यंजन आपके स्क्रीन पे है, मैं इसका उच्चारण नहीं करूँगा, आप इसके उच्चारण खुद करें और देखें कि कैसे गर्मी पैदा होती है। संयुक्त व्यंजन नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि ऐसे व्यंजन जिनमें से दो व्यंजनों के, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन भी है, जैसे छात्रा, ग्या, री, री या रा भी बोलते हैं इसको। तो छा, छा में आप देख सकते हैं आ आता है। त्रा भी उसी तरीके से है, जैसे अगर त्रा को डिवाइड करते हैं तो ग्या और री। उसके बाद आते हैं हम उच्चारण अंगों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। कंठ है, कंठ है जैसे का खा गा घा अंगा, तालव्य कठोर तालु से, चा छा जा छा या सा मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से, टा ठा डा ढा ड़ा ड़ी ड़ी र, दंते बर्तस्य ओष्ठ दंतोष्ठ य स्वर यत्र से। तो बड़े ही समझने वाली परिभाषा से हमें समझाया गया है कि उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। कब कंठ है, जब गले गले से जब बोला जाता है तो उसको कंठ है कहते हैं। तालब्य कठोर तालु से, कठोर तालु के अगले भाग से जब हम बोलते हैं तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। दांतों से जो बोला जाता है, दांतों के सहारे से उसे दंत्य कहते हैं। बर्तस से दांतों के मूल से जो बोला जाता है, ओष्ठ दांत होठों से, और दंतोष्ठ निचले होठ या ऊपरी दांतों से, स्वर यंत्र से। तो इस तरीके से उच्चारण अंगों के आधार पर व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। अब वर्ण विच्छेद को अगर हम देखें, ये इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विच्छेद का अर्थ हम जानते हैं कि अलग करना। ई प्रकार शब्दों के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाता है कि लड़का को हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो हमने इससे पहले जो देखा कि जितने भी वर्ण होते हैं वो स्वर स्वर से, उसमें जितने व्यंजन होते हैं वो स्वर के अलावा स्वर के सहायता से बोला जाता है। तो उसके अलग करने के लिए जैसे लड़का है तो ला में छोटा आ है, और जब डिवाइड करते हैं तो हलंत लगाते हैं, उसके बाद डा है। इसी तरह छात्रा है, गणेश है, चूक है, दूर है। और इसको अगर आप वर्ण विच्छेद करना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स करके देख सकते हैं। जैसे लड़की, पुत्र, पिता, इन चीज़ों को वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करते हैं कर सकते हैं इस क्लास को। ऐसे ही और आने वाले क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया पे। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एकेडमिक सेक्शन एज वेल एज कम्पिटिटिव सेक्शन। आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन होली की हार्दिक शुभकामनाएं।